हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो हमारा ताकत भी देख लेंगे। बोल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। बाबा बागेश्वर के बिहार यात्रा पर उसके सुरक्षा के लिए पवन सेना तैयार करने की बात पर वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि डीएसएस संगठन मेरा पहले से तैयार है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। तेज प्रताप ने कहा कि बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल। बागेश्वर बाबा को पता लगना चाहिए कि यहाँ बिहार में किसकी सरकार चल रही है। डीएसएस तो मेरा शुरू से ही संगठन है और हमने आरएसएस के लिए बनाया था डीएसएस, और डीएसएस तो है ही, डीएसएस है हमारा संगठन। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा बिहार नहीं आएंगे तो क्या मक्का मदीना जाएंगे कथा कहने के लिए? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा बिहार नहीं आएंगे तो क्या मक्का मदीना जाएंगे कथा कहने के लिए? हाँ, तो हमारी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो हमारा ताकत भी देख लेंगे। तो हमारा ताकत भी देख लेंगे ना, बोलना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है भाई। पवन सेना ने तैयारी किया है तेज प्रताप जी बाबा की सुरक्षा के लिए। अब जो भी सेना तैयार करे, पूरा सेना अपना तैयार है। शायद वो भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को पटना आने वाले हैं, जिसे लेकर एक वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मैं 13 मई को पटना आ रहा हूँ, और भोजपुरी अंदाज में उन्होंने बिहार वासियों को आशीर्वाद दिया। राम सरकार, हम बिहार आ रहे हैं मई में, बिहार आ रहे हैं 13 मई से, और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी, और बिहार तो ना का बात बा हो रहुआ, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला, अमर हो जा, हाँ गोड़ लागू। तो बड़ा आनंद आएगा, हम बिहार आ रहे हैं। वही धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने से पहले ही तेज प्रताप यादव उन्हें एक अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करेंगे तो उनको पटना के एयरपोर्ट पर ही रोक देंगे, और भाईचारे का संदेश लेकर आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। तेज प्रताप के इस बयान के बाद से ही उनकी सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इन सब के बीच अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार आने पर उनके कथावाचक और दरबार से राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।